सब्सक्राइब करें आईटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और आज हम डाउनलोड करेंगे RSCIT के सर्टिफिकेट नवंबर वाले, जो कि वनवास के बाद वापस आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपना जो MyRKCL पोर्टल है वो लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन के बाद आपको आना है एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में। एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको इस ऑप्शन पे आना है, लिंक आधार एंड जनरेट ई सर्टिफिकेट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम वही है, आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है जिस कोर्स का आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, फिर उसके बाद वो मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ में स्टूडेंट का एडमिशन था। तो अभी जो स्टूडेंट है वो मई का है, May 2017। मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी और सभी स्टूडेंट्स के नेम के आगे अपडेट आधार नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो मैं उस स्टूडेंट को सर्च कर लूँगा जिसका मैंने अभी सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड करना है। तो आधार अपडेट नंबर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टूडेंट का आधार आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है, अब आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, यस पे। आर यू श्योर के लिए पॉपअप आ जाएगा, ओके कर देंगे आप। उसके बाद सबमिट बटन आपको दिखाई देने लगेगा, देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये बोलेगा आपके फ़ोन पे एक OTP गया है। अब ये OTP जाएगा आधार वाले नंबर पे, स्टूडेंट का जिस नंबर पे आधार बना हुआ है। तो अभी हम इसमें OTP एंटर करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे। तो OTP स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, मे बी शायद गलत सा लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो ये OTP स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आया मुझे, मैं करता हूँ सबमिट। प्रोसेसिंग में है कमांड, तो सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखेंगे उस स्टूडेंट के नेम के आगे और क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब तक वहाँ दिखाई दे रहा था अपडेट आधार नंबर। तो मैं अभी वापस से May 2017 सेलेक्ट करता हूँ और व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी वापस से आप उस स्टूडेंट का नाम सर्च करें तो देखिए पहले यहाँ पे आ रहा था कि अपडेट आधार नंबर। अब जैसे ही मैंने उसका अपडेट आधार नंबर डाल के OTP उससे डाल के और उसको सबमिट किया तो उसके बाद आ रहा है जनरेट RSCIT ई सर्टिफिकेट। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो प्लीज़ वेट, डोंट क्लिक एंड रिफ्रेश। तो आपको रिफ्रेश या बैक बटन नहीं दबाना है, कोई और भी मूवमेंट नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ वेट करना है जब तक ये इस पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देती। ब्राउजर भी बीच में बंद ना करें, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें आप। तो टाइम यहाँ पर काफ़ी लग रहा है। जितना भी टाइम ये ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है RSCIT ई सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड टू राज ई वॉलेट वेबसाइट। RSCIT ई सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस लिंक। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली जनरेट होके राजस्थान ई वॉलेट में चला गया। अब ये ई वॉलेट का सिस्टम क्या है, तो SSO लॉगिन करना होगा स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट की आपको SSO ID बनानी होगी, और आप जैसे ही स्टूडेंट की SSO ID में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको राजस्थान ई वॉलेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस लिंक पे भी जाके
आप उसको लॉगिन कर सकते हो। और इस ऑप्शन में आप देखेंगे ई वॉलेट में, तो वहां पर आपको अप्रूव्ड सेक्शन में RCRT का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो राजस्थान ई वॉलेट की अब वेबसाइट खुल जाएगी। और अब हमें करना है स्टूडेंट की SSO ID से लॉगिन। तो आप यहाँ पर साइन इन करेंगे, SSO की ID से लॉगिन करना होगा स्टूडेंट की। अगर ID उसकी नहीं बनी है SSO की, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट को करके देना होगा या स्टूडेंट से पता करना होगा कि उसके पास है या नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है उसके पास लॉगिन है ऑलरेडी, और मैं उसकी आईडी से लॉगिन करता हूँ अभी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सॉरी तो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वहां पर ये देखिए सेकंड नंबर में आपको दिखा रहा है राज ई वॉलेट। ये ऑप्शन और भी किसी पोजीशन में हो सकता है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है इस पोजीशन पे तो आप उसको नेविगेट करके सर्च कर लें कि कहाँ पर है ये राज ई वॉलेट का ऑप्शन। और जब भी आपको मिल जाए तो इस पर सिंपली क्लिक करें आप। अभी आपको राज ई वॉलेट की जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब ये जो पैनल खुला है ये राज ई वॉलेट का है, और यहाँ पर हम जो ऑफिशियल अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल इस स्टूडेंट ने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इसका दिखाई दे रहा है और वो भी वो माई RKCL वाला जो हमने अभी अप्रूव किया था। तो आप जाएंगे अप्रूवल डॉक्यूमेंट सेक्शन में, जो सर्टिफिकेट है माई RKCL का RCRT का स्टूडेंट का वो अप्रूव होने के बाद इसी सेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो अप्रूवल डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे और अप्रूवल डॉक्यूमेंट में यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा RCRT का जो है सर्टिफिकेट। ये देखिए यहाँ पर ये रहा RCRT का वो सर्टिफिकेट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखा देगा और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए राइट साइड में आप प्रीव्यू देख रहे होंगे। पॉपअप को आप अलाउ कर दें, अगर पॉपअप डिसेबल रहेंगे तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो ना तो अच्छे से प्रीव्यू दिखा पाएगा और ना ही डाउनलोड हो पाएगा। तो देखिए जैसे मैंने पॉपअप को अलाउ किया तो ये सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड हो गया। कंट्रोल जे दबाएंगे डाउनलोड्स की टैब खुल जाएगी और ये जो अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है ये उसी स्टूडेंट का है। आप इस पर शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे शोन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल आ जाएगी यहाँ पर। और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जो RCRT का सर्टिफिकेट है वो दिखाई दे जाएगा। तो ये स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है, हमारा ITGK कोड और यूनिवर्सिटी का नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और एग्जामिनेशन कब हुआ था, परसेंटेज एंड बस। बारकोड इसमें एडिशनल है, इस बार बारकोड आ रहा है। तो ये भी हमें, ये जो डिजिटल साइन है ये भी हमें वेरीफाई करना होगा, लेकिन इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि अभी इसमें Adobe Reader है नहीं। Adobe Reader मैं डाउनलोड करके और उसके बाद आपको ये डिजिटल साइन कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये डिजिटल साइन आप कंफर्म किए बिना, वेरीफाई किए बिना आप स्टूडेंट को प्रिंट करके नहीं देवें क्योंकि ये इनवैलिड ही माना जाएगा। डिजिटल साइन जब हो जाएगा तो उस पर ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरीके की आपको अगर प्रॉब्लम आती है, फेस करती है, अगर आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं इस रिगार्डिंग, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जहां तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा।
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।